हेलो वेलकम मैं काश और आप देख रहे हैं कुछ इस आज के इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से अपने इंटरनेट के थ्रू और अपने पीसी के साथ आपसे फ्री में एसएमएस किसी भी नंबर पे सेंड कर सकते हो। वैसे ये वीडियो रिक्वेस्ट किया हुआ वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको पीसी का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और जहाँ तक एंड्रॉयड फ़ोन की बात है तो एंड्रॉयड फ़ोन पर भी पर्सनली वीडियोज आने वाले हैं, बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए। और इस वीडियो में मैं उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसका मैं पर्सनली यूज़ बहुत पहले से करता आ रहा हूं और फ्यूचर में भी मैं इसका यूज़ करता रहूंगा और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। खैर इस पे मैं और ज़्यादा बात न करती हूँ, फाइनली आगे बढ़ता हूं और देखता हूं इसका ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करती है तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। वेलकम बैक, तो आप देख सकते हैं मेरा पीसी और सबसे पहले तो मैं अपने ब्राउजर को ओपन करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे किसी ब्राउजर को चूज़ कर लेता हूँ और ये रहा मेरा गूगल क्रोम ब्राउजर और ऊपर सिंपली सर्च बार में यहाँ पे सर्च करूँगा site2sms.com और एंटर प्रेस कर दूँगा तो आपको इस तरह के पेज पे लेकर चला आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैसेज सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये ओनली इंडिया वालों लोगों के लिए है, आप किसी दूसरे कंट्री में शायद इसके यूज़ आप नहीं कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देता हूँ या फिर किसी भी नेम को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ प्रकाश और यहाँ पे मैं जेंडर मेल रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो आप, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस देता हूँ। और यहाँ पे प्रोफेशन में आपको देना है आप कौन सब आपका प्रोफेशन क्या, एम्प्लॉय हो आप या फिर बिजनेसमैन या फिर अदर्स। तो फिलहाल के मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेट को चूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे बिहार चूज़ करूँगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ और यहाँ पे वेरीफाई एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से मैं वेरीफाई करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर और यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए रजिस्टर हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होंगी जिससे आपको यहाँ पे पूरे करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक एसएमएस गया होगा अपने फ़ोन पे, तो यहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ। और जहाँ पे एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड ये आपके फ़ोन में गया होगा, तो आप अपने फ़ोन को ओपन कीजिए और वहाँ पे आप देखिए आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा और इस पासवर्ड को आप चाहे तो बाद में इसे चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए आपको इसी पासवर्ड को एंटर यहाँ पे करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में देखता हूँ इस पासवर्ड को। चलिए तो मैंने यहाँ पे जो मेरे फ़ोन में जो मैसेज के द्वारा पासवर्ड गया उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ से मैं लॉगिन कर दूँगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पे कैप्चा की तरह यहाँ पे कुछ दिख रहा है अंक, जो कि 3.3 कैरेक्टर का यहाँ पे अंक है, तो यहाँ पे इससे आपको एंटर करना है और यहाँ पे प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। तो इसका जो प्रोसीड था वो यहाँ पे क्लियर पूरी तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इससे आप इजिली यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से इजिली अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको करेंट पासवर्ड डालना है और यहाँ से कन्फर्म और न्यू पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो आप इस तरह से यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो और इसे यूज़ कैसे करना है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप ईमेल अलर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स भी बना सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो जितने लोगों को चाहे उतने और ग्रुप में जोड़ सकते हो और उन्हें एसएमएस भी सेंड कर सकते हो। और यहाँ से और सेंड एसएमएस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको थ्री ऑप्शन मिल खुल कर आते हैं, जिसमें यहाँ पे सेंड टेक्स्ट एसएमएस और यहाँ पे सेंड वॉइस एसएमएस एंड लाइव वॉइस कॉल। तो फिलहाल यहाँ पे वॉइस कॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे सेंड वॉइस एसएमएस, तो यहाँ पे अगर आप वॉइस एसएमएस भेजना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक करके वॉइस एसएमएस फ्री में सेंड कर सकते हो।
फिलहाल के मैं यहाँ पे टेक्स्ट एसएमएस की बात कर रहा हूँ, तो इस टेक्स्ट एसएमएस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जिन्हें भी और इसे सेंड करना है, जैसे मैं यहाँ पे किसी नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे आप अपने एसएमएस को यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एसएमएस, और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 145 कैरेक्टर्स में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये एसएमएस है ना कि ईमेल है। तो एसएमएस का कोई लिमिटेशंस होता है, बहुत छोटा सा उसका लिमिटेशंस होता है, तो उससे आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे यहाँ से सेंड टेक्स्ट एसएमएस पे क्लिक कर दूंगा। इस नंबर को यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे फिर से आपको बोल रहा है यस डिलीवर माई मैसेज, या फिर इससे बैक करना चाहते हो या फिर इससे रियल में आप सेंड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने नंबर पे एसएमएस सक्सेसफुली सेंड आ चुका और मेरे फ़ोन में अभी अभी यहाँ पे मैसेज आ भी गया। तो इस तरह से आप इजीली यहाँ से एसएमएस सेंड कर सकते। और जहाँ पे मैं देखता हूँ सेंड वॉइस एसएमएस, तो अगर यहाँ से वॉइस एसएमएस सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना और यहाँ से अपलोड MP3 और साउंड फाइल फ्रॉम माई कंप्यूटर से, यहाँ से इस MP3 को यहाँ से अपलोड कर सकते हो और उससे यहाँ से सेंड और वॉइस एसएमएस पे क्लिक करके इससे सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इजीली वॉइस मैसेजेस भी सेंड कर सकते। और लास्टली मैं एक बात तो आपको यहाँ पे बताना भूल ही गया था और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए, वो ये कि जब आप यहाँ पे और सेंड टेक्स्ट एसएमएस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेंड और वॉइस एसएमएस और फ्री वॉइस कॉल और यहाँ पे सेंड और ग्रुप मल्टीपल एसएमएस, यानी कि आप ग्रुप में भी एसएमएस भेज सकते हो, यानी कि कई लोगों को एक साथ एसएमएस यहाँ से भेज सकते हो। और ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शेड्यूल एसएमएस, यानी कि किसी को पर्सनली विश करना चाहते हो कि ये एसएमएस उसी वक्त जाए और उतने टाइम में ही ये एसएमएस यहाँ से सेंड हो, तो आप यहाँ से शेड्यूल न्यू एसएमएस पे क्लिक करके आप जितने भी टाइम यहाँ से सेट करना चाहते हो पूरी यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ से सेट कर सकते हो, और यहाँ से एसएमएस और फोन नंबर यहाँ पे डालकर इजिली इसे सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप इजिली, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेंड एसएमएस आउटबॉक्स, यानी कि आउटबॉक्स से भी आप इस एसएमएस को सेंड कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए कुछ भी सीखो और सीखते रहिए मोबाइल कंप्यूटर एंड्रॉयड और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।